Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. The journey of life is amazingly beautiful if you take it as a fearless adventure. It's 5:45 a.m. in the morning and I'm starting my ride to Hyderabad from Balewadi, Pune. I have to go from Hadapsar. I mean, मैं एक कोने पर हूँ और मुझे दूसरे कोने से हैदराबाद वाली रोड पकड़नी है. That will go from Solapur. Just leaving my apartment now. Hello, namaste, sat sri akal, aadab, mere dosto. Welcome back to my channel. And आज मैं जा रहा हूँ हैदराबाद from Pune. Although I started my ride early in the morning at 5:45 a.m. बट उस समय अंधेरा था, सो आई थॉट कि मैं इंट्रो कहीं बीच में रिकॉर्ड करूंगा. सो आई एम एट नेशनल हाईवे 65 राइट नाउ. सनराइज इज जस्ट हैपनिंग, इट्स ऑल रेड ऑल देयर. मैं 70 किलोमीटर आ चुका हूँ अभी यहाँ से. सोलापुर इज 200 किलोमीटर, सो इट्स लाइक पुणे टू सोलापुर एंड देन सोलापुर टू हैदराबाद. आई स्टार्टेड फ्रॉम बालेवाड़ी, बालेवाड़ी टू शिवाजी नगर, शिवाजी नगर टू हड़पसर, हड़पसर टू दिस रोड, दैट इज नेशनल हाईवे 65. सो आई विल कीप यू अपडेटेड क्योंकि आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस रोड टू हैदराबाद टू पुणे. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, कीप ऑन वॉचिंग. आई एम स्टार्टिंग माय राइड वंस अगेन. यहाँ से सोलापुर इज अराउंड 200 किलोमीटर्स. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say. The benefit of coming on a bike, I'm just about to cross the first toll plaza and you can see the traffic. Oh my god, this is serious. अगर कार से आए कोई तो उसकी बैंड बच जाए. आई डोंट थिंक कि मैं भी बाइक से होने के बाद भी इतना इजीली आई कैन एस्केप. Willing to have a coffee यहाँ पर मत रुकना. एंड सोलापुर रोड पे आई गेस देर आर सो मेनी ढाबा, सो यू कैन स्टॉप एनी वे. रोड इज मक्खन दिस रोड लाइक एन एच 65. जहाँ जहाँ पे कुछ भी स्पेशल आएगा या अलग आएगा, आई विल डेफिनेटली अपडेट. सो आफ्टर अ शॉर्ट कॉफी ब्रेक आई एम स्टार्टिंग टू राइड वंस अगेन. तो इस रोड पे आई एम इजीली टचिंग 100-105 बिकॉज बहुत ही प्यारी रोड है, बहुत ही स्मूथ है, एकदम नेशनल हाईवे जैसा होता है. पर आई डोंट नो कि ये कब तक जाने वाला है. सोलापुर से भी जहां पर कट दिखा रहा है हैदराबाद के लिए, दैट इज अगेन नेशनल हाईवे 65 ओनली. सो आई होप कि थ्रू आउट रास्ता ऐसे ही रहने वाला है, और ऐसा ही रहे तो अच्छा है बिकॉज मजा आता है ऐसे रास्ते पे ड्राइव करने में. अगर रास्ता खराब हो जाता है तो आपको मोराल पूरा डाउन हो जाता है एंड देन यू डोंट एंजॉय राइडिंग अ लॉट. काफी सारा टाइम डिले हो गया. अभी बज रहा है सुबह का 8:30 एंड आई वॉन्ट टू कवर एज मच एज पॉसिबल and as early as possible. I got nothing to be scared of. Cause where people live, there is always love. I know the answers in my heart, so I'll try my best to not. I am at Indapur right now. I mean, Indapur is this way if you go inside, and this is the bypass that is taking me to Solapur. So iske pehle Malad bhi aaya tha and Luni, I guess. So yeah, Malad, Luni, then Indapur, then Solapur. So yeah, next stop will be Solapur. Just to take a picture with this milestone, I took a stop here. Hyderabad is 367 from this place. Mohol 32 किलोमीटर है एंड मोहल से सोलापुर इज अगेन 30 किलोमीटर. अप्रॉक्सीमेटली सोलापुर इज 60 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस. Memories keep me.
together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it. I have reached Solapur, so ye rasta jo andar ki taraf aap dekh rahe ho, slight left. This is going to Solapur and I have to follow NX65 itself. And अभी तक सोलापुर तक आई हैव कवर्ड अराउंड 270 किलोमीटर्स एंड 270 किलोमीटर्स वो तक जो सोलापुर तक का रोड है इट्स वेरी स्मूथ वेरी नाइस कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है इनफैक्ट इतने सारे ढाबे पेट्रोल पंप यू विल फाइंड एवरीथिंग इन बिटवीन एंड मैंने अभी जो मैप पे देखा है इट इज गाइडिंग के हैदराबाद तक ये सिमिलर रोड है आई मीन NX65 ही मुझे फॉलो करना है एंड here is the milestone that is showing Hyderabad is 304 kilometers. So approximately 4.5 से 5 घंटे में I'll do it. To say no to the ones who want something better. To the ones who never say never. Will you be my pleasure? कुछ वाटर बॉडी भी आई अभी आई डोंट नो इज दैट बट इट्स ब्यूटीफुल अभी तक सब पूरा रोड और यही सब चल रहा था थ्रू आउट बट यहाँ पे आई कैन सी सम यू नो गुड नेचुरल थिंग्स प्रोबेबली बिकॉज यहाँ पर फोर्ट था आसपास तो ये सारी चीजें हैं अभी एंड ये देखिए वाओ इससे अच्छी जगह नहीं मिली इनको बस टर्न करने के लिए पीरियड कुछ अलग ही सीन है मतलब यहाँ से जो फोर्ट इधर मुझे दिख रहा है वो बहुत बड़ी वॉल है कोई बट आई हैव नो आइडिया कि वो क्या है अगर किसी को भी पता हो तो प्लीज कमेंट्स में लेट मी नो कि वो क्या है कौन सी वॉल है या यहाँ कौन सा फोर्ट था सो सुशी वगैरह बहुत खाइए बट यू मस्ट नॉट हैव हर्ड ऑफ सुशीला यस आई एम ट्राइंग सुशीला हियर जो कि मुझे यहाँ पर भैया ने बोला कि आप खाओ बहुत अच्छा लगता है दिस इज सुशीला आई एम गोइंग टू गिव यू अ गुड विजुअल ऑफ दिस जस्ट नाउ कर्नाटक बॉर्डर आया है 70 किलोमीटर फिर उसके बाद तेलंगाना है अच्छा ये जो सुशीला है ये जो सुशीला है ये लाई है मतलब मुरमुरा है चावल है ये क्या है अरे भेल भेल टाइप का मुरमुरा है मुरमुरा का खिचड़ी जैसा है सो दिल्ली दरबार इज अ नाइस रेस्टोरेंट सो यू कैन टेक अ ब्रेक हियर व्हेन यू आर जस्ट क्रॉसिंग सोलापुर इट्स 12:33 राइट नाउ एंड होपफुली मैं 5 बजे तक हैदराबाद पहुंचूंगा जी अमोल दादो अमोल भाई ध्यान रखो मास्क पहनो मास्क क्या क्या सब हुआ खिला चलता नहीं था नहीं चलता नहीं मास्क नहीं चलता नहीं मास्क बंद है सब अरे मास्क नहीं करना नहीं कुछ नहीं ठीक है हाँ पुणे में 500 रुपये लगता है मारा भी है पुणे ठीक है गुड नाइट तो अच्छा लंबा ब्रेक हो गया लगभग आधे घंटे का एंड नाउ लेट्स सी कि अब हैदराबाद पहुंचने में कितना समय लगता है रोड तो अच्छी दिख रही है और एकदम एनर्जी आ गई कुछ खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डिहाइड्रेटेड हो रहा हूं क्योंकि मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी थी पानी तक नहीं पिया था अभी पानी कोल्ड ड्रिंक और सुशीला सारी चीज़ें हो गई हैं रास्ता एकदम सामने साफ दिख रहा है सो जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं हैदराबाद आई एम इन कर्नाटका स्टेट राइट नाउ सम टाउन ऑफ कर्नाटका स्टेट मैंने खानापुर भी देखा जो गोवा जाते टाइम बेलगाम के आगे पड़ता था उसके लिए भी रास्ता था यहाँ से एंड इसके बाद आई थिंक आई विल एंटर तेलंगाना यहाँ से हैदराबाद 180 किलोमीटर है एग्जैक्टली आई सी द बोर्ड ऑफ वेलकम टू तेलंगाना सो आई एम अबाउट टू एंटर तेलंगाना जहाँ से जहीराबाद इज 20 किलोमीटर एंड हैदराबाद इज 134 किलोमीटर Thank you.
स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ लिंगमपल्ली बोर्ड एंड नॉट इवन 100 किलोमीटर्स 98 और 99 किलोमीटर्स। सो अभी वक्त हो रहा है 3:15। हैदराबाद मस्त रोड है एकदम, कोई लफड़ा नहीं, कोई डिले नहीं, ऑल क्लीन ऑल गुड। मैंने ब्रेक लिया टू चार्ज माय गोप्रो एंड टू स्ट्रेच माय बॉडी। तो अभी हुआ ये कि मैप मुझे दिखा रहा था कि रिंग रोड से आना है एंड मैं यहाँ पर आ गया कि यहाँ से बाइक अलाउड नहीं है। Why? So I have to go back and then take लंबा रूट आई गेस। बहुत अच्छा स्वागत किया हैदराबाद आपने। और ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा सांप बन के it was showing like a you not even you, it was showing like a circle। तो मैं वही सोच रहा था कि कैसे जाएगी, बड़ी आउटर रिंग रोड है और वहां पे बाइक अलाउड नहीं है। So, इस ट्रिप की मुझे सबसे अच्छी बात या आई शुड से इस राइड की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि मैं पुणे से जब मतलब मैं पुणे एग्जिट किया, पुणे से लेकर अभी तक हैदराबाद के अंदर भी आई एम ऑन NH-65। सो इट्स इजी, अगर कोई आ रहा हो तो यू कैन जस्ट फॉलो NH-65 एंड यू विल बी इन हैदराबाद फ्रॉम पुणे। एंड आई गेस मेरा होटल भी यही NH-65 पर ही बंजारा हिल्स में है एंड दीज आर द मेट्रो स्टेशंस। NH-65 पर ही सारे मेट्रो स्टेशंस फॉलो कर रहे हैं। आई ऑब्जर्व दिस, जब मैं घुसा तो ट्रैफिक मुझे बहुत ज्यादा कम लग रहा था पर अभी थोड़ा मुझे लगता है कि सिंस शाम होती जा रही है तो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो इट्स क्लीन एंड नाइस एंड pretty managed, I mean they have given U-turns all around, probably because this is not main Hyderabad, this is metro lane, so ye urban Hyderabad hai ya naya Hyderabad hai, so but yeah it feels good to see things managed like this and ease hota hai agar aap bahar se bhi aate ho to bhi ease hota hai aur agar aap city mein reh rahe ho to bhi ease hota hai। I am just about to reach my hotel in like next 15 minutes because it's 3-4 kilometers from this place। I hope ki aur zyada traffic na badhe kyunki badhte hi ja raha hai, badhte jab main enter hua tab bilkul bhi nahi tha and agar main ring road leta jahan pe mujhe entry nahi di unhone ye bol ke ki bikers allowed nahi hai, agar main wo ring road leta to wo shayad kuch kilometer zyada tha but हाँ वो क्लीन होती रोड, ट्रैफिक नहीं होता तो मैं जल्दी पहुंच सकता था। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था पुराने 2018-16 के, जो लोग पुणे टू हैदराबाद आए थे, सो उन्होंने जो रास्ता दिखाया था दैट वाज नॉट इतना प्लीजिंग, प्रोबेबली उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और अब हो गया हो, बट आई फील लकी एंड जो 2021 में आने वाला है उनको मैं यही बोलूंगा कि बेझिझक आओ, आई मीन कार से बाइक से जैसे भी आना है आओ, कोई लोड नहीं है। आई मीन बहुत ही सुंदर और शांत रास्ता है, मजेदार एकदम, मजा आ जाएगा, ड्राइव करके भी मजा आएगा और राइड करके भी मजा आएगा। हॉलीडे इन एक्सप्रेस आई कैन सी इट्स हियर इन ओके। So guys, I just checked in at my hotel in Hyderabad. It was a really nice trip. I will summarize it. If somebody's planning to come
to Hyderabad from Pune because you just have to follow NH65 and in fact mera hotel Banjara Hills Hyderabad mein hai to yahan tak I mean NH65 comes till my hotel so mujhe bilkul bhi difficulty nahi hui bahut hi national highways obviously acche hote hain खाने के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे रोड में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी बहुत स्पेशियस है बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता है और तो यार हैदराबाद में एंटर होने के बाद मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक फील हुआ बट ठीक है वो सिटी का होता ही हर सिटी में रहता है इट वॉज अ नाइस ट्रिप इट वॉज अ नाइस जर्नी आई होप यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर लव इन द कॉमेंट सेक्शन डू नॉट लीव विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल वी हैव वेरी फ्यू सब्सक्राइबर्स एंड I am putting in all my efforts to give you the best of content. Do not forget to press the bell icon also because I am coming with another video of Hyderabad very soon. Thank you so much for watching. And I find it hard to let go.